नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा कोर कमेटी के सदस्यों और प्रमुख केंद्रीय पद अधिकारियों की एक अहम बैठक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू के अध्यक्षता में हुई। रांची के होटल आलोका स्थित सभागार में आयोजित इस बैठक में संगठन विस्तार तथा आगे की रणनीति और कार्यक्रम तय किए गए। वहीं बैठक के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा, 15 फरवरी से वैश्य समाज के सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों और मंत्रियों को पुनः स्मार पत्र सौंपेंगे। इससे पहले 13 फरवरी से प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन करेंगे और अपने समाज को बताएंगे कि इस सरकार में किस तरह की उनकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा, हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तो आगामी 23 मार्च को बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की आज कोर कमेटी और सेंट्रल कमेटी के प्रमुख पदाधिकारियों की आज बैठक है। चूंकि 25 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, आप लोगों को याद होगा कि पिछले शीतकालीन सत्र के अंतिम दिनों में सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि 27% आरक्षण के लिए जल्द ही कमेटी बना दी जाएगी। अब 2 महीना बीतने को है और बजट सत्र भी शुरू होना है, लेकिन अफसोस है कि अब तक सरकार की ओर से किसी तरह का ना कोई कमेटी बनाया गया है और ना कोई पहल किया गया है। इसीलिए झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा अब फिर से अपने समाज को जगाने, संगठित करने और सड़कों पर उतर के लड़ने का हम लोग रणनीति बनाने के लिए आज बैठे हैं। आज हम लोगों का इस बैठक में यह तय किया गया है कि 15 फरवरी तक हम लोग पुनः एक बार सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो हमारे वैश्य समाज के और पिछड़े समाज के विधायक हैं, मंत्री हैं, हम तमाम लोगों को हम उनको एक बार फिर से स्मार पत्र सौंपेंगे। उसके पहले 13 फरवरी से हम लोग प्रमंडल वाइज हम लोग सम्मेलन करेंगे और समाज को बताएंगे कि इस सरकार में हम लोगों की कैसे अनदेखी की जा रही है। 13 फरवरी को हमारा कार्यक्रम पलामू प्रमंडल में है। 16 फरवरी को कोल्हान प्रमंडल का गम्हरिया में है। 20 फरवरी को हमारा संथाल परगना का देवघर जिला में परमंडलीय सम्मेलन है। 27 फरवरी को फिर एक बार हम लोग दक्षिणी छोटे नागपुर परमंडल के रांची मुख्यालय में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और 9 मार्च को हम लोग उत्तरी छोटे नागपुर के रजरप्पा मंदिर परिसर में महिला सम्मेलन करके महिलाओं को भी इस मुद्दे पर संगठित करने और जागृत करने का काम करेंगे। इसके बाद भी चूंकि विधानसभा का सत्र इस दरमियान शुरू हो जाएगा, हमारी बातों हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है तो 23 मार्च से हम लोग बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। चूंकि 23 मार्च भगत सिंह जी का शहादत दिवस है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्मतिथि है, दोनों हमारे आदर्श पुरुष हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पिछड़ों के आवाज़ थे, पिछड़ों के सवाल पर उन्होंने नेहरू जी से भी, प्रधानमंत्री रहते हुए उनसे भी टक्कर लिया था और उनका नारा था 100 में पावे 60 पिछड़ा समाज। तो हम लोग 23 मार्च से हम लोग बड़े आंदोलन की फिर लगातार शुरुआत करेंगे। आज का हम लोगों का बैठक का मकसद यही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।